सरकार द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का नियम चल रहा है। इसी के तहत विदिशा जिले में आरटीओ द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी वाहन चालकों को हिदायत दी जा रही है कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में विदिशा में बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। मुख्य रूप से एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर जैसे बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियां भी बिना हाई सिक्योरिटी के दौड़ रही हैं। ऐसे में आरटीओ द्वारा कभी भी वाहनों पर कार्रवाई की जा सकती है। जो शासन के नियम है उसके तहत प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाना अनिवार्य है। 2019 से के बाद जो भी गाड़ियां बेची जा गई हैं या पंजीकृत हुई हैं उसमें डीलर द्वारा मैन्युफैक्चरर की सहयोग से एचएसआरपी लगाई गई है। 2019 से पूर्व की वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगाई जा सकी थी हमारे प्रदेश में, क्योंकि उसमें किसी बाहरी वेंडर से लगवाई जानी थी और शासन और जो शासन की ओर से नियुक्त किए गए वेंडर के बीच में कुछ डिस्प्यूट होने के कारण, माननीय न्यायालय के समक्ष वो केस पेंडिंग होने के कारण नहीं लगाई जा सकी थी। तो उसके लिए 2019 के पहले के वाहनों पर लगाई जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए थे उसके तहत मैन्युफैक्चरर से बात की गई और वाहन निर्माता के द्वारा वो प्लेटें लगाई जा रही हैं। उसके लिए आम जनता को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके उपरांत वाहन निर्माता संबंधित डीलर के नज़दीकी, जो उस वाहन स्वामी के नज़दीकी जो डीलर होता है उसके यहाँ वो नंबर प्लेट भेज देता है, वहाँ जाकर आम जन लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी पर। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी तक का समय सीमा निर्धारित की थी समस्त वाहनों पर लगाने के लिए।